रेडी हैं आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन में आपका सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक 3D। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले हम आपको आज बताना चाहेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो आज का हेडिंग है टाइप ऑफ लाइंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ लाइंस कि भैया लाइंस कितने प्रकार की होती हैं। ओके, तो देखिए देखिए लाइन जो होती हैं एक कैसी होती हैं, एक होती कोप्लेनर समतलीय लाइनें, और लाइंस को आप सदिश भी मान सकते हो, और एक होती हैं कोप्लेनर नहीं होती तो कैसी होती हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन मतलब असमतलीय। कोप्लेनर में दो कैटेगरी होती हैं, कोप्लेनर में दो कैटेगरी होती हैं, एक समानांतर और एक प्रतिच्छेदी। ठीक है, स्क्यू लाइन में कोई कैटेगरी नहीं होती है, कोप्लेनर में दो कैटेगरी होती हैं, एक समानांतर और एक प्रतिच्छेदी। अगर हम बात करें समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये समानांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी बिल्कुल फिक्स हुआ करती है। और यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो कभी ना कभी आकर के वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हुआ करती है, शून्य हुआ करती है। तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी d होती है और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, शून्य होती है। बट स्क्यू लाइन जो होती हैं, स्क्यू लाइन जो होती हैं वो कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये खींची हुई है और एक लाइन आपके मोबाइल स्क्रीन को फोड़ करके बाहर की तरफ निकल रही है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से फोड़ करके बाहर की तरफ निकल रही है आपके मोबाइल की स्क्रीन को, और एक लाइन आपके नीचे है, मतलब मोबाइल की एक बॉर्डर है और एक लाइन बाहर जा रही है। यस, तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये लाइन इसको कभी कैंसिल नहीं कर पाएगी, कभी कट नहीं कर पाएगी। तो इनके बीच में एक फिक्स दूरी होगी, उस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, उस दूरी को निकालने के लिए आप इस पर परपेंडिकुलर उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से गिराएंगे। ये तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो ये दूरी कहलाएगी PQ, दो स्क्यू लाइन के बीच की दूरी। अब एक चीज़ और महसूस करिए कि अगर जैसे ही अपने पास में ये एक सरल रेखा है और ये कोई स्क्यू लाइन यहाँ से आ रही, बाहर आ रही है इस तरीके से आपके स्क्रीन को फोड़ करके, अगर ये स्क्यू लाइन आप नीचे लाते जाएं, अगर इसको आप नीचे लाते जाएं, मतलब यहाँ से स्क्यू लाइन यहाँ ले आए, यहाँ से स्क्यू लाइन यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए और ले आए इस पॉइंट पे ले आए, तो ये क्या बन जाएगी, ये इसके ऊपर चली जाएगी। मतलब अगर स्क्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस जीरो हो जाए, ये जो पी था और ये जो पॉइंट क्यू था, अगर P से लेके Q तक के बीच की दूरी जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या होंगी, वो रेखाएं कैसी होंगी, वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। और याद रखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा समतलीय होती हैं, क्योंकि कोई किसी को प्रतिच्छेद करेगा तो उसी समतल में आके ही करेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं हमेशा क्या होती हैं, समतलीय होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा समतलीय होती हैं। तो आइए आज का टास्क है हमारा क्या, आज का टास्क है पहले चेक करना, चेक करना क्या, चेक करना कि दी गई दो रेखाएं, रेखाएं कैसी हैं, कैसी हैं दी गई दो रेखाएं कैसी हैं। तो जाली मान लीजिए एक रेखा ये दी गई है, इसका समीकरण है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरी रेखा ये दी गई है जिसका समीकरण है एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। तो सबसे पहला केस हम हल करते हैं किसके लिए, समानांतर के लिए। सबसे पहले समानांतर देख लो, तो अगर समानांतर रेखाएं हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। यस, ये कंडीशन बनेगी अगर समानांतर है। तो आप इसके
दिक् अनुपातों को देख के ही बता सकते हो कि समानांतर है या नहीं है। और अगर रेखाएं समानांतर हैं तो कहीं पर भी आप इनके बीच की दूरी निकाल लो, वो दूरी हमेशा फिक्स निकलेगी। ओके, और समानांतर रेखाओं का समीकरण लिख लें आप लोग, क्या होता है? पहला समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और वेक्टर आर बराबर दूसरी रेखा ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी। मतलब दोनों के जो सदिश दिशात्मक वेक्टर होते हैं वो दोनों समान होते हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि दिक् अनुपात समान है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है डी बराबर कितनी होती है, यहाँ पे आता है वेक्टर बी का मॉड, नीचे आता है कितना वेक्टर बी का मॉड, और ऊपर आता है क्या, कोई बता सकता ऊपर क्या आता है? किसी को याद है ऊपर क्या आता है दूरी में? बताइए ऊपर क्या आता है, काफ़ी दिन हो गए मुझे देखे हुए इसको। वेक्टर ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन डॉट बी, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग। ये होती है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वेक्टर ए टू माइनस ए वन डॉट बी। एक बार कोई यहाँ पर मेंबर हमारे जो जिनके पास 3D का कोई लेक्चर या नोट्स वगैरह खुला हुआ हो तो प्लीज़ चेक करके बताइए, ए टू माइनस ए वन डॉट बी होता है या ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी होता है, किसी को पता है क्या? द्विवेदी सर? सर नहीं मालूम, चलिए देख सकते हैं। चलिए पचौरी सर आप बताइए। पचौरी सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? यस सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, ये दो हमारे पास सरल रेखाएं हैं जी, और दोनों समानांतर हैं 3D में। सर इनके बीच की दूरी डी बराबर, दूरी बीच की दूरी डी बराबर, नीचे आता है मॉड बी, ऊपर क्या आता है सर? ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी आता है कि ए टू माइनस ए वन डॉट बी आता है, बताइए। ए टू माइनस ए वन डॉट बी श्योर है? क्रॉस आना चाहिए सर, इसमें क्रॉस आना चाहिए। क्यों सर, डॉट प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है? डॉट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मोड लगा हुआ लास्ट में भी। एक बार चेक कर लीजिए सर, इसके बारे में चेक करिए सर, चेक करिए जल्दी सर, सर एक बार किसी के पास एनसीईआरटी बुक हो तो चेक कर लो भाई, एनसीईआरटी बुक से भी आप लोग चेक कर सकते हो। एक सेकंड, सर डॉट ही आएगा सर? हाँ सर चेक कर लिए, हाँ कंफर्म है डॉट आएगा। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ सर आपको, हाँ वो आता ना ए वन ए टू डॉट प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू आता ना, उसमें डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं तो फॉर्मूला बनता है ना ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। नहीं सर, वो क्रॉस है वहाँ पर सर, क्रॉस है यहाँ पे, वो नहीं है सर, सर क्रॉस है। हाँ देख लिया सर आपने? हाँ सर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद वेक्टर क्वेश्चन में वेक्टर बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऑलरेडी पहले पूरे में मॉड लगा हुआ है ऑलरेडी। हाँ ठीक है, सही, बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, देखिए मेन चीज सबको ये याद रहता है कि ये फॉर्मूला क्या है, बट इसमें लोग क्या भूल जाते हैं, इसका डॉट है या क्रॉस है, इसलिए मैंने इस चीज़ पर आप लोग को रोका यहाँ पे। तो यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिए फॉर्मूला कि दो पैरल लाइन अगर आपके पास में है, ओके, दो पैरल लाइन, दो समानांतर रेखाएं आपके पास में हैं, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी डी होगी, दैट इज़ इक्वल टू ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर क्रॉस बी, या बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मॉड ऑफ बी, ये होता है, ठीक है ना? यस, ये हुआ करता है, ठीक है। और सर ऑर्डर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, माइनस साइन आएगा तो ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा है तो माइनस साइन प्लस में हो जाएगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो भैया इस तरीके से हम दो सरल रेखाओं की समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहती है। अब आप बात करते हैं आगे, तो ये देख लिया आपने कि समांतर रेखाएं, अब समतलीय रेखाओं का दूसरा प्रकार क्या है भैया? समतलीय रेखाओं का
दूसरा प्रकार है, आपने देखा पहला था समांतर, दूसरा प्रकार है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, अगर आपको ये पता चल जाए कि फला फला लाइनें प्रतिच्छेदी रेखा हैं बस, तो इनके बीच की दूरी d इक्वल टू जीरो होती है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? जीरो होती है, क्योंकि भैया प्रतिच्छेदी हैं तो आज नहीं कल किसी पॉइंट पर जा कर के तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी जीरो हुआ करती है। मगर सवाल ये है कि हम पता कैसे करें कि प्रतिच्छेदी रेखा है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कट पॉइंट निकाल के, पहला तरीका है कट पॉइंट निकाल के, और दूसरा तरीका है स्क्यू लाइन कंसेप्ट से, स्क्यू लाइन कंसेप्ट। तो मैं आपको दोनों कंसेप्ट आज बताऊंगा, एक बताऊंगा कट पॉइंट कंसेप्ट और दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्क्यू लाइन कंसेप्ट। आइए देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों एक किसी बिंदु पर मिल रही है, ओके। तो ये कट पॉइंट क्या होगा? एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड इसके लिए भी होगा, रेखा नंबर एक के लिए भी होगा, और एक्स वाई जेड रेखा नंबर दो के लिए भी होगा। मतलब जो एक्स वाई जेड रेखा नंबर एक को संतुष्ट करेगा, कट पॉइंट के लिए वही एक्स वाई जेड रेखा नंबर दो को भी संतुष्ट करेगा। अब आइए, आपके पास दो रेखाएं दी गई हैं। पहली रेखा दी गई है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये पहली रेखा का सममित समीकरण है, इसको आप लैम्डा ले लीजिए। तो भैया x बराबर हो गया a1 वन लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई इक्वल टू हो गया a लैम्डा प्लस a1 वन लैम्डा, सही था, a1 वन लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई की वैल्यू b1 वन लैम्डा प्लस वाई वन, और z की वैल्यू यहाँ से y की लैम्डा, y की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे y की वैल्यू b1 वन लैम्डा ए वन बी वन सी वन प्लस वाई वन, और जेड की वैल्यू सी वन लैम्डा प्लस जेड वन। ये तीन समीकरण आपने ले लिए हैं एक्स वाई जेड के। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरी रेखा जो है एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू इक्वल टू, दूसरा समीकरण आपने ले लिया है लैम्डा टू, इसको लैम्डा वन ले लीजिए। तो ये लैम्डा वन, ये भी लैम्डा वन, ये भी लैम्डा वन। अब यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लीजिए, तो x बराबर हो गया a2 टू लैम्डा टू प्लस एक्स टू, वाई इक्वल टू बी टू लैम्डा टू प्लस वाई टू, और c जेड इक्वल टू सी टू लैम्डा टू प्लस जेड टू। देखिए यहाँ से, अब क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद बिंदु हैं तो ये वाला x और ये वाला x एक ही होगा, मतलब a1 वन लैम्डा वन प्लस एक्स वन इक्वल टू a2 टू लैम्डा टू प्लस एक्स टू, मतलब a1 वन लैम्डा वन प्लस एक्स वन इक्वल टू ए टू लैम्डा टू प्लस एक्स टू। ये पहला समीकरण बन गया। इसमें आपके पास में a1 वन लैम्डा वन प्लस एक्स वन इक्वल टू ए टू लैम्डा टू प्लस एक्स टू। दूसरा समीकरण क्या बनेगा अपने पास में? दूसरा समीकरण बनेगा, क्योंकि y के इक्वेशन सेम है, तो b1 वन लैम्डा वन प्लस वाई वन इक्वल टू बी टू लैम्डा टू प्लस वाई टू। ओके, तो y का सेकेंड इक्वेशन बनेगा अपने पास में b1 लैम्डा वन प्लस वाई वन इक्वल टू बी टू लैम्डा टू प्लस वाई टू। हमारे पास लैम्डा वन और लैम्डा टू अननोन हैं, अज्ञात हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लैम्डा वन का मान निकाल लेंगे और लैम्डा टू का मान निकाल लेंगे। यस, तीसरा समीकरण हमारे पास क्या है? सी वन लैम्डा वन प्लस जेड वन इक्वल टू सी टू लैम्डा टू प्लस जेड टू। जी हाँ, अब ये लैम्डा वन और ये लैम्डा टू हम दोनों में आके पुट करेंगे इस तीसरे समीकरण में। मतलब एक्स और वाई के निर्देशांक क्या जेड के निर्देशांक के साथ तालमेल बैठा रहे हैं? तो अगर जेड के ये समीकरण लैम्डा वन और लैम्डा टू के मान से संतुष्ट हो गया, इसका मतलब वाकई में ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर यदि ये संतुष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। मतलब लैम्डा वन और लैम्डा टू के मान से यदि ये संतुष्ट हो गया तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, और लैम्डा वन लैम्डा टू के मान से यदि प्रतिच्छेद नहीं हुआ तो मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रही हैं। अब मान लीजिए यदि ये संतुष्ट कर दिया, लैम्डा वन और लैम्डा टू जो हैं आपके पास आ गए,
तो लैम्डा वन आ गया, लैम्डा टू आ गया, तो अब आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। तो कोई बात नहीं है, आपको एक्स पता करना है, तो आपने पहला इक्वेशन क्या निकाला था, अननोन पॉइंट एक्स वन बराबर ए वन लैम्डा वन प्लस एक्स वन, तो इसमें लैम्डा वन पुट कर दीजिए, आपके पास एक्स आ जाएगा। आपको वाई निकालना है, तो ए वन लैम्डा सॉरी बी वन लैम्डा वन प्लस एक्स टू, तो आपके पास वाई आ जाएगा। चाहे आप लैम्डा वन का यूज़ करके निकालें, या तो आप एक्स टू इक्वल टू ए टू लैम्डा टू प्लस एक्स टू यूज़ करके निकाल लें, इसमें लैम्डा टू पुट करना पड़ेगा आपको, तो एक्स आ जाएगा। कुल मिला के एक बार पता चल गया, तो आपको लैम्डा वन लैम्डा टू अगर तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वाकई में तीनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और तीनों रेखाओं के प्रतिच्छेद होने के बाद आप जो है हल कर सकते हैं। आइए एक सवाल करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने कराया था, तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं है। एक और तरीका है एसक्यू लाइन वाला, उसको बस अगले स्टेप में डिस्कस करते हैं। आइए, जो क्लास में हमने पिछले बार सवाल उठाया था वो क्या था, कि रेखा रेखा x माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन फाइव इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन टू, ये हो गया पहली रेखा। और दूसरा रेखा है x माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन वन, के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो भैया दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो कि समानांतर तो नहीं है, समानांतर तो यहाँ पे नहीं है, ओके। तो ये जो दूरी है, ये इसमें ये दोनों क्या हैं, समानांतर नहीं है, बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद देखो भैया, कहीं ये समतलीय तो नहीं है, अगर ये समतलीय नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होंगी, ये इसकी होंगी यानी असमतलीय होंगी, और अगर समतलीय हो गई, बस हमें पता चल गया समतलीय हो गई, तो अगर मतलब दो ही चीज़ हैं, समानांतर तो नहीं है, तो समानांतर तो हट गया भाई साहब। अब क्या हो सकता है, या तो ये समतलीय हो सकती है या ये विषमतलीय हो सकती है। तो अगर समतलीय होंगी तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी भाई साहब, जीरो, क्योंकि समानांतर नहीं है। तो समतली का दूसरा केस क्या होता है, प्रतिच्छेदी। तो अगर प्रतिच्छेदी हुई या समतली हुई तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर विषमतली होंगी तो फिर हमको लगाना पड़ेगा दो असमांतर असमतलीय लाइनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो आइए पता करते हैं कि समतली है या नहीं है। तो इसके इक्वल टू क्या लेंगे, लैम्डा वन, और इसके इक्वल टू ले लेंगे लैम्डा टू। तो अब एक्स वाई जेड के हमको निर्देशांक निकालने हैं। तो मेरे पास क्या है इक्वेशन, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन फाइव इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू ले लिया अपन ने लैम्डा वन। और दूसरा समीकरण एक्स माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन वन, सॉरी ये वन है, इक्वल टू लैम्डा टू। यहाँ से आपने बिंदु निकाले, एक्स कितना निकलेगा भाई साहब, यहाँ से एक्स इक्वल टू निकलेगा थ्री लैम्डा वन प्लस वन, ओके। पहले वाले से वाई कितना निकलेगा, फाइव लैम्डा वन प्लस टू। और जेड कितना निकलेगा, जेड निकलेगा टू लैम्डा वन प्लस वन, ठीक है, ये निकल गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन से एक्स क्या निकलेगा, एक्स इक्वल टू फोर लैम्डा टू प्लस टू। फिर इससे वाई क्या निकलेगा, वाई इक्वल टू टू लैम्डा टू प्लस वन। और जेड क्या निकलेगा भाई साहब, लैम्डा टू माइनस वन। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब आप देखिए, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, अगर ये रेखाएं, ये वाकई में अगर ये कट कर रहे होंगे, तो जो पहली रेखा के लिए एक्स होगा वो दूसरी रेखा के लिए एक्स होगा। तो पहली रेखा का एक्स ये है, दूसरी रेखा का एक्स ये है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो थ्री लैम्डा वन प्लस वन इक्वल टू फोर लैम्डा टू प्लस टू, यानी थ्री लैम्डा वन माइनस फोर लैम्डा टू बराबर दो में से एक गए, एक पहला समीकरण नंबर ए मान लीजिए इसको। और दूसरा समीकरण देखिए, फाइव लैम्डा टू प्लस टू इक्वल टू फाइव लैम्डा टू प्लस टू इक्वल टू टू लैम्डा टू प्लस वन, यानी फाइव लैम्डा टू माइनस टू लैम्डा टू यानी थ्री लैम्डा टू प्लस वन इक्वल टू कितना, जीरो, है ना, सॉरी गलती हो गई, फाइव लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, इसको मैं इरेज करता हूँ दोबारा। चलिए, तो कंडीशन क्या बनेगी भाई साहब, फाइव लैम्डा वन प्लस टू इक्वल टू टू लैम्डा टू प्लस वन, तो फाइव लैम्डा वन माइनस
माइनस टू लैम्डा टू इक्वल टू वन माइनस टू यानी कि माइनस वन, इक्वेशन नंबर बी। अब आप लोग का काम है इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को मुझे सॉल्व करके लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू बताएं। जल्दी से इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करिए और लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू बताइए। मित्रों मैं आपका वेट कर रहा हूँ। लैम्डा वन क्या आया, लैम्डा टू सर? हाँ सर, एक इसका सेकंड मेथड और है ना डिटरमिनेंट वाला? सर बताता हूँ अभी, इसके बाद बताऊंगा, मैं कंसेप्ट अभी डेवलप करा रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा। हाँ, पहले हाँ, पहले डिटरमिनेंट वाला एक मेथड और हाँ, है। आएगा सर, मगर जब पहले वो पता चल जाए कि ये लाइन इसक्यू है कि नहीं है ना सर। डिटरमिनेंट वाले मेथड की श्योरिटी कब है सब? जब लाइन इसक्यू है ना सर। अगर लाइन इसक्यू होंगी तो उसकी डिस्टेंस वाकई में देगा, और इसक्यू नहीं होगी तो डिस्टेंस जीरो दे देगा। मगर मैं सर पहले निकाल रहा हूँ लाइनों का कट पॉइंट निकालना। क्या निकालना सर? कट पॉइंट। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कट पॉइंट के लिए। चलिए सर लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू बताइए। सर लैम्डा वन की वैल्यू आ रही है माइनस थ्री अपॉन सेवन और लैम्डा टू की वैल्यू आ रही है माइनस फोर अपॉन सेवन। बिल्कुल सही सर, वेरी गुड सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सही निकालें। अब जो तीसरा इक्वेशन है सर, टू लैम्डा वन प्लस वन इक्वल टू लैम्डा टू माइनस वन, टू लैम्डा वन प्लस वन इक्वल टू लैम्डा टू माइनस वन, इक्वल टू लैम्डा टू माइनस वन। सर यहाँ पर लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू रख करके देखिए, तो लैम्डा वन की वैल्यू आपने निकाली माइनस, ये इक्वेशन नंबर सी है सर, ओके okay. तो माइनस थ्री अपॉन सेवन प्लस वन इक्वल टू लैम्डा टू आपने बोला माइनस फोर अपॉन सेवन प्लस माइनस वन, तो माइनस सिक्स अपॉन सेवन प्लस वन इक्वल टू माइनस चार माइनस सात बटे सात, यानी कितना हो गया भाई साहब ये वन अपॉन सेवन इक्वल टू एलेवन अपॉन सेवन, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये लाइनें हरगिज कैसी हैं, कोप्लिनर नहीं है, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि ये लाइन जो है इस तरीके से इसक्यू लाइन निकल आएंगी। जी हाँ ओके। अब इसक्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो मतलब मेरा क्या उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य था आपको कट पॉइंट सिखाना, परंतु अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता तो ये वाकई में लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती और इसका कट पॉइंट क्या निकलता, माइनस थ्री अपॉन सेवन और माइनस फोर बाई सेवन। सॉरी कट पॉइंट ये नहीं निकलता, कट पॉइंट निकालना पड़ता आपको, ये तो लैम्डा का मान है लैम्डा वन और लैम्डा टू। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट हो जाती तो जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली थी पिछले, पहले इसके आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एक्स की वैल्यू जो निकाली थी थ्री लैम्डा वन प्लस वन, तो यहाँ पर लैम्डा वन का मान रख करके आपको एक्स की वैल्यू आ जाती और लैम्डा वन का मान रख के वाई की और लैम्डा वन का मान रख करके जेड की। बट फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए कट पॉइंट नहीं निकलेगा। अब हम देखते हैं ये रेखाएं कैसी हैं, मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं, तो लॉजिक क्या बन गया, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं। ओके अब देखते हैं अगले कंसेप्ट पर चलते हैं कि अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या कंसेप्ट होगा, आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं असमतलीय रेखाओं के नज़रिए से, असमतलीय रेखा, ये देखिए मान लीजिए पहली लाइन है, इसका नाम है लाइन का वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, ये दिया गया है, और यहाँ से ये दूसरी असमतलीय रेखा आ रही है ऊपर से हवा में, मतलब जैसे आपका मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर फोड़ते हुए कोई दूसरी रेखा बाहर से निकल गई है, तो ये आपके मोबाइल के निचले हिस्से को तो कट करेगी नहीं, तो ये क्या है, असमतलीय है। अब इनके बीच की दूरी क्या है भाई साहब, एक निश्चित बिंदु पर दोनों के बीच में एक लंब डाल दो, जो इस पे भी लंब हो और इस पे भी लंब हो, मतलब एक निश्चित बिंदु से दूरी जो होगी न्यूनतम होगी उसको बोलोगे की क्यू पी क्यू, न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। तो अगर अगर पी क्यू बराबर कितना हो गया जीरो, अगर पी क्यू बराबर कितना हो गया जीरो, मतलब ये रेखा जो है नीचे आती गई, तो इसका पी क्यू का मतलब जीरो होने पर क्या हो जाएगा, ये समतलीय हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, समतलीय। तो आइए देखते हैं समतलीय रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या है। ओके तो क्वेश्चन टॉपिक बनाइए,
दो रेखाएं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन तथा एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू समतलीय होंगी यदि, ठीक है ना। अब समतलीय होंगी यदि, समतलीय होंगी मतलब भाई पैरेलल तो है नहीं, तो कैसी होंगी, 100% प्रतिच्छेदी ही होंगी। ओके, समतली होंगी। समतली में दो केस होते हैं, एक तो पैरेलल और एक प्रतिच्छेदी। तो ये प्रतिच्छेदी ही होंगी क्योंकि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू पैरेलल इक्वल नहीं है। मैं पहले भी लिख देता हूँ, ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, और प्रतिच्छेदी होने की शर्त है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन अपॉन में ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू बराबर जीरो। तो कॉपी में लिख लीजिए कंडीशन, ठीक है ना, कि दो असमांतर रेखाओं के, कॉपी में कंडीशन बनाइए, दो असमांतर रेखाओं के, दो असमांतर रेखाओं के कैसा समतलीय कह लो, और अगर असमांतर होके समतलीय हैं तो ब्रैकेट में क्या लिख लो, प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध क्या होगा, यही ब्रैकेट में x2 टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू बराबर कितना, जीरो, इक्वल टू जीरो। तो ये समतलीय होने का प्रतिबंध है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, समतलीय होने का या प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध यही हुआ करता है, ठीक है ना। और अगर ये प्रतिबंध साबित हो गया कि दो रेखाएं समतलीय हैं तो ये इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, जीरो। एक्चुअली ये इनके बीच की दूरी भी निकालने का फॉर्मूला इसी से आता है। तो अगर ये समतलीय हैं और समतलीय में प्रतिच्छेदी हो गई तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, जीरो। अब इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहे हैं, क्योंकि भैया ये आपने साबित कर लिया कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समतलीय हैं, और दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं, और दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को लेते हुए एक समतल जाता है, क्या जाता है, समतल जाता है। तो इस समतल से जाने वाले दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को लेकर के होकर जाने वाले समतल का समीकरण, बहुत ही आसान है समीकरण। देखिए, पहली प्रतिच्छेदी रेखा के पॉइंट क्या होंगे, x1, y1, z1, और दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा के पॉइंट क्या होंगे, x2, y2, z2। ओके, तो इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या बनता है वो नोट कर लें, वो बनता है x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ए वन बी वन एक्स टू माइनस एक्स वन। नहीं नहीं सर, नहीं सर, एक्स सर समतल का समीकरण बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, मैं आपसे अच्छा, बीच की दूरी नहीं पूछ रहा हूँ। समतल का समीकरण ए टू बी टू सी टू बराबर जीरो, नोट कर लीजिए। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से होकर जाने वाले समतल का, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को धारण करने वाले या दो समतलीय रेखाओं को धारण करने वाले समतल का समीकरण लिख लीजिए, दो समतलीय या ब्रैकेट में प्रतिच्छेदी रेखाओं को धारण करने वाले समतल का समीकरण, का समीकरण क्या बनेगा मित्रों, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन और यहाँ पर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू बराबर जीरो रखना ना भूलें, ये बनता है, ठीक है ना। और इसके यदि मैं सदिश रूप की आपको बात करूँ तो इसका सदिश रूप होता है वेक्टर r माइनस ए क्रॉस बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो। मैं सदिश रूप लिख देता हूँ आपके लिए, इसका सदिश रूप होता है प्लेन का वेक्टर r माइनस ए, सॉरी डॉट होता है बीच में, वेक्टर r माइनस ए डॉट, हाँ भाई साहब, बी वन
क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो, ये होता है सदिश रूप इसका, और अदिश रूप मैंने आपको बता ही दिया। चलिए ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में आया, अब क्वेश्चन में आया आपके पास में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइंस, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, रेखाओं रेखाओं x माइनस वन अपॉन टू y प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन फोर तथा तथा x माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू जेड माइनस टू बाई थ्री, ये आपके सामने मैंने आपको समीकरण दे दिया, ठीक है ना। पहला समीकरण मैंने क्या दिया आपको, पहला समीकरण मैंने दिया आपको x माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन थ्री जेड माइनस वन अपॉन फोर, और दूसरा x माइनस टू अपॉन थ्री टू माइनस टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन थ्री। कह रहा है इससे होकर जाने वाले तथा इनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। अब आप डायरेक्टली मत लगा दीजिए, अब आप ये सोचिए कि अगर ये रेखाएं ऐसी होंगी तो समतल तो जा सकेगा, मगर यदि ये रेखाएं स्क्यू हुई तो आपको पता है कि भाई स्क्यू रेखाओं से कोई समतल नहीं जाएगा। स्क्यू मतलब असमतलीय, भाई समतलीय लाइन आप दे दो, दो समतलीय रेखाएं दे दो, इससे समतल चला जाएगा, मगर एक लाइन यहाँ जा रही है और एक लाइन बाहर आ रही है बोर्ड फोड़ करके, तो इससे कोई समतल जाने वाला नहीं है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि वाकई में ये रेखाएं समतलीय हैं कि नहीं हैं। तो अपने पास जो समीकरण दिया गया है वो क्या है, x माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन फोर, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू जेड माइनस टू बाई थ्री, ये समीकरण दिया गया है। अब यहाँ से देखो एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन कितना है, एक्स वन की वैल्यू है वन, वाई वन की वैल्यू है माइनस वन और जेड वन की वैल्यू है वन, और ए वन बी वन सी वन, सॉरी दूर दूर लिखना था, ए वन बी वन सी वन कितना है, टू थ्री और फोर। तो ये ए वन बी वन सी वन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास ये ए वन बी वन सी वन दिया हुआ है। अब दूसरा समीकरण है x2 इक्वल टू टू है, y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यदि 2 कॉमन ले जाऊँगा तो y2 इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई टू, और z2 इक्वल टू टू है ओके, और a2 इक्वल टू 3 है, 2 से कॉट कैंसिल करने के बाद यहाँ पे b2 मेरे पास आ जाएगा 4 और c2 आ जाएगा 3। अब आप निकालिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इनको आप असमतलीय मान करके स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी निकालते हैं, पता चल जाएगा कि वाकई में दूरी जीरो हो रही कि नहीं हो रही है। अगर जीरो होगी तो समीकरण समतल का निकालने की प्रोसेस करेंगे, और अगर दूरी नहीं हुई तो फिर समीकरण नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी जो निकालते हैं समतलीय होने के लिए कंडीशन क्या होती, देखिए यहाँ पर देखते हैं समतली है कि नहीं है। तो समतली होने के लिए हमें निकालना पड़ता है x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1, फिर y2 माइनस y1 कितना है भाई साहब, y2 है 3 बाई टू, और माइनस का माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 यानी कितना हो गया ये 5 बाई टू, और z2 माइनस z1 तो कितना हो जाएगा, दो में से एक गए एक, और फिर a1 b1 c1 यानी कि a1 कितना भाई साहब 2 दिया है, b1 दिया है 3, c1 दिया है 4, और a2 कितना दिया है 3 दिया है, b2 दिया है कितना, b2 4 नहीं है गलती से लिख दिया, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 2 कट जाएगा तो b2 2 बन जाएगा और c2 है 3, तो ये है 2 ये है 3,
चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए कि इसका मान कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए क्या इसका मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए इसका मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर कर रहे हैं सॉल्व। जी सर। हाँ सर, अगर आप C1 में से C3 माइनस कर देंगे 2 0 बन जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। जी बताइए सर। है ना, जल्दी हो जी जाएगा। सर। तो इसमें C1 में से C3 माइनस किया तो ये भी 0, 2 में से 4 गया -2, और फिर 5/2 1 है ना, और 2 और 3 तो चलिए, और नीचे कितना 3 और यहाँ 4, तो हल करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, और 5/2 × 3, 3 × 5 = 15/2 और -2। तो देखिए सर नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। नहीं है सर। इसका मतलब जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समतलीय नहीं हैं, बल्कि कैसी हैं ये दोनों रेखाएं विषमतलीय हैं, और विषमतलीय हैं, इनसे इस प्रकार से कोई भी प्लेन जाना संभव नहीं है, मतलब इसका आंसर होगा कोई None of this. तल संभव नहीं, इससे कोई तल नहीं जा सकता है, इससे कोई तल संभव नहीं होगा। आ गया सर समझ में? जी सर। चलिए तो अगला टॉपिक सर देखते हैं। हाँ सर एक थोड़ा सा ये बताइए, जो हम पिछला क्वेश्चन कह रहे थे जिसमें से बीच की दूरी हमें फाइंड करनी थी, हाँ जो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन कह रहे थे, उसमें हमने λ1 λ2 की वैल्यू निकाल ली थी, हाँ और वो उसने इक्वेशन जो थर्ड हमारा था उसको सेटिस्फाई नहीं किया था, उसको नहीं तो किया इसका था। तो इसका मतलब सर इसका वो मतलब इसका मतलब ये था कि वे रेखाएं एसक्यू हैं। कैसी हैं सर? इसके बाद सेटिस्फाई कर देता तो वो एक ही प्लेन पे आ जाती, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाती सर? जीरो। कितनी हो हाँ जाती? जीरो। जीरो। अब अगर देखिए सर, अगर अगर अब एसक्यू हैं तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कुछ ना कुछ तो होगी सर, है ना? जी। अब वो अपन पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अगर ओके थैंक न्यूनतम यू। दूरी जीरो हो गई थी अभी तक, तो इसका मतलब वो लाइन क्या होंगी भैया? समतली होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अब कुछ अपन पढ़ संतुलित रहे हैं प्रक्षेप कि चलेगी। अब अपन पढ़ रहे हैं कि प्लेन भी नहीं बन पाया, अब अपन पढ़ रहे हैं भैया दूरी होगी कितनी, है ना? तो ओके अगला टॉपिक थैंक है यू सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन। अगला टॉपिक है आज का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस, यानी दो असमतली रेखाओं के बीच की दूरी। आइए कैसे निकालते हैं। अब भैया कन्फर्म हो गया है कि रेखाएं असमतली हैं, सब पता चल गया। जैसे पिछला क्वेश्चन जो था, पिछला क्वेश्चन में पता चल गया कि भैया एक रेखा नीचे है और एक रेखा ऊपर है, बोर्ड फोड़ के जा रही है, असमतली है ना, दोनों एक तल में नहीं है, इनके बीच की दूरी जीरो नहीं हो रही है, मतलब ये क्या है? असमतली है। अब असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी हमको देखना है, तो जो भी रेखा होगी इससे यहाँ पर आपने एक लंब डाल दिया, इस पे एक क्या काट दिया? लंब डाल दिया। तो ये जो लंब होगा इस पे भी 90 होगा और इस पे भी 90 होगा, तभी ये बीच की न्यूनतम दूरी को देगा। ओके अब आपके पास में जो न्यूनतम दूरी आएगी P से लेके Q, तो P से लेके Q तक की न्यूनतम दूरी लिख लीजिए। अगर आपके पास दो रेखाएं दी गई हैं, ये रेखा दी गई कितनी, ये मेन रेखा दी गई आपके पास में x-x1 / a1 = y-y1 / b1,
इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरी रेखा आपके पास में दी गई है एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, ये दूसरी रेखा दी गई है। तो इससे आपने इस पर लंब गिरा दिया और ये लंब की लंबाई ही न्यूनतम दूरी कहलाएगी। तो पी क्यू का फॉर्मूला नोट करें मित्रों, पी क्यू का फॉर्मूला है मॉड एल ब्रैकेट में एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन ब्रैकेट में जेड टू माइनस जेड वन। ये है सूत्र जहाँ पे एल एम एन क्या हैं, पी क्यू रेखा की डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज हैं, डायरेक्शन कोसाइन, बिल्कुल सही। तो ये नोट कर लीजिए, आपको मैंने दिया एक मिनट कि आपके पास यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो असमतलीय रेखाओं के बीच की, दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ओके। तो दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास में फॉर्मूला P से लेकर Q तक की दूरी पी क्यू बराबर L ब्रैकेट में X2 माइनस X1 प्लस M ब्रैकेट में Y2 माइनस Y1 प्लस N ब्रैकेट में Z2 माइनस Z1, ये आएगी दूरी, ठीक है। एल एम एन क्या है, L कॉमा M कॉमा N ये पी क्यू की दिक कोज हैं, ये पी क्यू की दिक कोज हैं। एक तो फॉर्मूला भाई साहब आपके पास ये है, ये फार्मूला थोड़ा सा इससे भी हल हो जाएगा क्वेश्चन, और दूसरा फार्मूला है उससे भी हल हो जाएगा दो एसक्यू लाइंस के बीच की दूरी। एक तो फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला, दूसरा वाला मैं भी आपको बता देता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूँगा, डोंट वरी। बट आइए एक पहले प्रश्न इस वाले से देख लेते हैं, तो आपको पूरी फीलिंग पकड़ में आ जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं माजरा क्या है। मान लीजिए आपके पास में दो रेखाएं हैं, क्वेश्चन कहा गया है, तो अपने देख रहे हैं एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, मतलब ये जो बीच में आपके पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है ये चीज़ इसी की होती है एलिमेंट दिक कोज है। अब आइए समझिए कैसे, क्वेश्चन आया आपके पास कि आपके पास दो सरल रेखाएं हैं, पहली सरल रेखा है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन फोर इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन वन, जेड प्लस टू अपॉन वन, ओके। दूसरा एक्स माइनस फाइव अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन टू, कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। अब भैया इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, सबसे पहले देख लो पैरेलल तो नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है तो ये केस तो गया। अब उसके बाद क्या हो सकती हैं, उसके बाद अपने पास विषमतली होंगी तो बीच की दूरी आ जाएगी सूत्र लगाने से, और अगर समतली होंगी तो विषमतली के फॉर्मूले से ही समतली अगर हुई तो बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, जीरो। मतलब अब आपको समतली वमतली कुछ टेस्ट नहीं करना है, सीधे विषमतली के बीच की दूरी लगानी है। तो देखो डायग्राम कैसा है, ये आपके पास पहली रेखा है, पहली रेखा है जिसमें आपके पास में एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, ओके, इसका नाम है x माइनस टू अपॉन थ्री, वाई इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन फोर इक्वल टू जेड प्लस टू अपॉन वन। ये किस किस बिंदु से होके जा रही है, जा रही है टू कॉमा वन कॉमा माइनस टू, ये देख लो इतना तो पढ़े होगे, ये टू है ये वन है और ये माइनस टू से होके जाएगी ये रेखा है। तो ये अपने पास बिंदु क्या बन गए, ये बन गए एक्स वन वाई वन जेड वन, और दूसरी रेखा जो हम मान के चल रहे हैं कि असमतलीय है वो यहाँ से कहीं से आ रही है, और इस रेखा के बिंदु कौन है, फाइव कॉमा टू कॉमा फोर, ये बिंदु है फाइव कॉमा टू कॉमा फोर। हमें क्या निकालनी है भाई साहब, हमें निकालनी है इनके बीच की दूरी। तो भैया यहाँ से लेकर के हम इससे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसकी रेखाएं क्या हैं, एल एम एन, ये हैं इसकी दिक कोज, ओके। तो अब इनके बीच की दूरी क्या होगी भाई साहब, इनके बीच की जो दूरी होगी पी क्यू, पी से लेकर के क्यू तक की दूरी बराबर एल मॉड एल ब्रैकेट में एक्स टू माइनस एक्स वन
तो एक्स टू कितना है, 5 है, एक्स वन कितना है, 2 है, प्लस एम ब्रैकेट में 2 माइनस 1 प्लस एन ब्रैकेट में 4 माइनस माइनस 2 यानी 4 प्लस 2, ये हो गया। अभी भी देखिए हमारे पास एल एम एन नहीं है, तो एल एम एन को ज्ञात करने के लिए हम कुछ कंसेप्ट लगाएंगे। अब आप देखिए ये रेखा बाहर जा रही है, तो इस मोमेंट पर इसके दिक अनुपात और इसकी दिक को जय आपस में कैसी होंगी, इसकी दिक को जय आपस में लंबवत होंगी, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए कंडीशन ये बनेगी इसकी दिक को जय है एल एम एन और इसके दिक अनुपात क्या है 1:3:2, और इसी तरीके से इस लाइन की दिक को जय है एल एम एन और इसके दिक अनुपात क्या है 3:4:1, तो दोनों लंबवत होंगे। तो देखो पहले क्या है, ये अपने पास में इसकी दिक को जय है 3:4:1 और इसके दिक अनुपात कितने हैं, इसके दिक अनुपात हैं नीचे वाली लाइन के कितने दिक अनुपात हैं, सॉरी मैंने गलती कर दी, ऊपर वाली लाइन की दिक को जय पता है अपन को, दिक अनुपात नहीं पता, दिक को जय है एल एम एन और नीचे वाली लाइन की जो दिक अनुपात है वो है 3:4:1। तो चलो भाई कंडीशन क्या बनेगी, 3L प्लस 4M प्लस N बराबर 0, पहली कंडीशन ये बन गई नंबर वन। दूसरी कंडीशन सेम, ये जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है दूसरे के, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी N प्लस 3M प्लस 2N इक्वल टू 0। क्यों बन गई भैया दूसरी कंडीशन, आप देख लो समीकरण इसका, N L प्लस 3M प्लस 2N बराबर 0, क्योंकि दिक अनुपात दिए थे 1:3:2, ये हो गया। अब इसको हल करिए, तो हल कैसे करेंगे, ये L के नीचे, ये माइनस एम के नीचे और ये एन के नीचे अपॉन अपॉन अपॉन, एल के नीचे 4 × 2 = 8, माइनस 3 = 3, एम के नीचे 3 × 2 = 6 और माइनस 1 और एन के नीचे 3 × 3 = 9 माइनस 4 कितना आया, एल बटे 5 बराबर माइनस एम बटे 5, तो एम का माइनस यहाँ कर दो माइनस 5 बराबर एन बटे 5, 5 5 5 कैंसिल कर दो, एल अपॉन 1 बराबर एम अपॉन माइनस 1 बराबर एन अपॉन 1। एल एम एन के जो अपॉन में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं दिक अनुपात। तो दिक अनुपात अपने पास रेखा पी क्यू के क्या आ गए, पी क्यू के दिक अनुपात एल अपॉन 1 एम अपॉन माइनस 1 एन अपॉन 1, तो इसके जो दिक अनुपात आए, इसके जो दिक अनुपात बने मित्रों वो क्या बन गए, 1 - 1 = 1। तो हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए दिक कोज्य डायरेक्शन कोसाइन, तो ये क्या बनेगा 1/√a² + b² + c² 1/3 - 1/√3 और 1/√3, सॉरी हमने रूट थ्री बोल कितने 3 बोल दिया, तो 1/3 - 1/√3 1/3। अब यहाँ पर आप जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, कौन सा फार्मूला, पी क्यू के बीच की लंबाई बराबर मॉड एल x2 - x1 प्लस एम y2 - y1 प्लस एन z2 - z1, ये आ जाएगी इसके बीच की दूरी। तो l का मान कितना आया भाई, l का मान आया है 1/√3, ओके l का मान आया है 1/√3 और दोनों के बीच की दूरी कितनी निकली थी ज़रा देखिए, ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको दूरी, यस 5 - 2 यानी कि 3, ओके फिर अगले में है 2 - 1 तो 5 - 2 यानी कि 3, फिर अगले में m कितना आया है, m आया है -1/√3, ओके और ब्रैकेट में कितना आया था, ब्रैकेट में था 2 - 1 यानी कि 1, n आया है 1/√3 और ब्रैकेट में कितना आया था, ब्रैकेट में आया था 4 + 2 यानी कि 6, ओके सर 10/√3 आ रहा, तो आंसर आएगा देखिए 6 × 3 = 9 और 9 में से 1 गया 8 तो आंसर आएगा 8/√3, ये इसका आंसर है। एक माइनस भी है ना सर, ठीक है सर, हाँ है ना, हट गया ना वो बीच वाला माइनस था ना, ठीक है। एक चीज समझा दीजिए इसमें, बताइए सर, सर हाँ बताइए सर, एक चीज समझा दीजिए, आपने जो एलिमेंट के दो इक्वेशन बनाए थे 3L + 4M + N और L + 3M + 2N, इनको सॉल्व करके आपने वैल्यूज निकाली थी बाद में एलिमेंट की, हाँ हाँ
यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, यहाँ से नहीं समझ में आया कि जब हमारे दो इक्वेशन निकल आए 3L 4M, यहाँ से सर, हाँ 3L 4 सर, plus 4M plus n equal to 0। इसके बाद सर वज्रगुणन विधि से क्रॉस मेथड से अपन ने डिटर्मिनेंट वाली मेथड से अपन ने एल के अपॉन में माइनस एम के अपॉन में एन के अपॉन में वैल्यू निकाली, ठीक है सर। अच्छा, हाँ ये वज्रगुणन खंड से निकाल लिया। हाँ वज्रगुणन विधि से निकाल लिया सर। फिर इसके बाद 8 में से 3 गए 5, 6 में और एक माइनस 5, ऊपर का माइनस आ गया तो माइनस 5 बन गया, एन अपॉन 5 कैंसिल कर दिया सर अपन ने 5 से 5 से 5, 1 माइनस 1 1। अच्छा, और डिटरमिनेंट मेथड से भी आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाएंगे। और देखिए सर इसमें कंडीशन होती है एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, मतलब एल एम एन के नीचे जो समानुपात में नंबर बैठे होते हैं वो होते हैं ए बी सी। तो हमारे पास ए बी सी तो आ चुके हैं, मगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है एल एम एन। तो अपन जानते हैं L बराबर होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पता है। तो अपने पास L बराबर a कितना आया था 1, और इसकी वैल्यू आई थी 1 का स्क्वायर 1, अगला माइनस 1 का स्क्वायर ये भी 1 और 1 का स्क्वायर ये भी 1, यानी 1 अपॉन रूट 3। मतलब एक तरीके से सभी में रूट 3 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एल एम एन आ गया। तो ये देखिए सर दिक को जय आ गई कितनी, 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3, ठीक है। ओके सर। और फिर उसके बाद ये सॉल्व कर लिया। चलिए तो ये था दो असमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो आपके पास असमतलीय रेखाएं थी इसके बीच की दूरी का ये फॉर्मूला था। अब दूसरा एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर अपने पास दो रेखाएं हैं, पहली रेखा वेक्टर आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी वन, और दूसरी रेखा वेक्टर आर बराबर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू, तो इनके बीच की समतलीय रेखाएं असमतलीय रेखाएं इनके बीच की दूरी पी क्यू बराबर, थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा होता है, मेहनत भी करनी होती है, वो क्या होता है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। यस, ये अगर इस फॉर्मूले से भी करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। और यदि बात करें इसके सदिश रूप की, तो इसके सदिश रूप का फॉर्मूला भी आप नोट कर लें, उससे थोड़ा सा समय बच जाएगा आपका। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, यहाँ ए वन यहाँ बी वन यहाँ सी वन यहाँ ए टू यहाँ बी टू यहाँ सी टू अपॉन में अंडर रूट बी वन क्रॉस बी टू का मॉड है। तो b1 वन क्रॉस बी क्या आएगा, b1 मतलब पहला सदिश वेक्टर और b2 मतलब दूसरा दिशात्मक वेक्टर, दोनों का मॉड आएगा, कितना आएगा यही है। तो क्या बन जाएगा b1 c2 सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर प्लस ए वन सी टू माइनस सी टू सी वन ए टू का स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, और प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए कि आपका दो स्क्यू लाइन यानी कि असमतली सदिश के बीच का कोण है, सॉरी कोण नहीं, दो असमतली रेखाओं के बीच की दूरी है। और सच कहा जाए तो अगर ये दूरी जीरो के बराबर हो जाएगी तो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो अगर दो असमतली रेखाओं के बीच की दूरी हो गई जीरो तो वो रेखाएं क्या हो गई, समतलीय हो गई या प्रतिच्छेदी हो गई। तो अपने पास कंडीशन ऊपर वाला जीरो बन जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इक्वल टू कितना, जीरो। तो भाई यही कोप्लेनर होने की कंडीशन हो गई, यही कोप्लेनर होने की कंडीशन हो गई, मतलब स्क्यू रेखाओं के बीच की दूरी से ही कोप्लेनर होने की कंडीशन आ जाती है, ठीक है सर। तो यही कोप्लेनर होने की कंडीशन है, परंतु जो एल एम एन वाला कंसेप्ट है वो इससे थोड़ा सा सरल पड़ेगा, हल्का सा समय बचा लेगा। और ये क्वेश्चन टीजीटी में कम आता है सर, ये क्वेश्चन पीजीटी में ज़्यादा आता है क्योंकि इतना बड़ा है, इसको पीजीटी में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक ना, एल एम एन वाला कंसेप्ट। चलिए तो ठीक है, आज ये 3D यहीं तक पड़ी है। 3D में एक और टॉपिक है अपने पास, कल से हम स्टार्ट करेंगे गोला। तो 3D में हमारे पास लाइन है, 3D में हमारे पास लाइन है, 3D में हमारे पास गोला है। तो आज हमने लाइन फिनिश कर ली है, लाइन में इतना ही है, मेन असमतलीय लाइन बने बता दी आपको,
और मैंने आपको समतली लाइन बता दी, समतली में मैंने प्लेनर लाइन बता दी, प्लेनर लाइन में मैंने आपको याद दिला दिया कि समीकरण जो बनता है, सॉरी प्लेनर नहीं, पैरेलल यानी समानांतर लाइनें, तो समानांतर लाइनों के बीच की जो दूरी बनती है डी बराबर बीच में आता है ए टू माइनस ए वन, यहाँ पर आता है क्रॉस बी और नीचे आता है मॉड ऑफ पी, ये है प्लेनर यानी कि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। और इसके बाद पी क्यू यानी कि स्क्यू लाइन, उसमें आता है ए टू माइनस ए वन डॉट होता है और यहाँ होता है बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, एक फार्मूला मैंने ये बताया। फिर मैंने आपको स्क्यू लाइन के बीच की दूरी का एक फार्मूला और भी बताया कि पी क्यू बराबर एल यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन जेड टू माइनस जेड वन, ये होती है दो असंतली रेखाओं के बीच की दूरी। और फिर मैंने एक और फार्मूला बताया कि दो समतली रेखाओं से हो करके जाने वाले समतल का समीकरण x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू बराबर कितना जीरो जीरो। चलिए जी, तो ये थे सर, इसमें सर, एक कॉन्सेप्ट बस बचा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच एंगल, एंगल देख लीजिए सर, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का कोई दिक्कत सर, उसमें नहीं तो सर, उस बिल्कुल वेक्टर उसमें वाला तो सीधे सीधे फार्मूला आ जाता है cos theta इक्वल टू, बिल्कुल सर, तो पहली लाइन है वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1, तो इसका जो सदिश वेक्टर देगा कौन देगा, b1 देगा। अब दूसरी लाइन आ गई वेक्टर a2 प्लस लैम्डा b2, तो इसको सदिश कौन देगा, b2 देगा, तो इसके बीच के कोण थीटा हो जाएगा, तो cos theta बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2, जिसको सॉल्व करने पर आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c2 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, चलिए और c2 स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। तो ये है दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है सर।